वन कर्मचारियों को सशस्त्र बल घोषित करते हुए उन्हें न्यायिक दंडाधिकारी का अधिकार दिए जाने जैसी 20 सूत्रीय मांगों को लेकर मध्य प्रदेश के वन कर्मचारी 14 फरवरी से आंदोलन शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं। शुक्रवार को प्रदेश व्यापी आंदोलन की तैयारियों को लेकर मध्य प्रदेश वन कर्मचारी संघ के प्रांतीय अध्यक्ष निर्मल तिवारी शहर पहुंचे। गायत्री मंदिर के समीप फॉरेस्ट विश्राम भवन में तिवारी ने जिले के वन कर्मियों से मुलाकात की। तिवारी ने कहा कि वन विभाग के कर्मचारियों को लंबे समय तक संघर्ष करने के बाद भी उनका हक नहीं मिला है। वन कर्मचारियों की लगातार उपेक्षा के कारण कर्मचारी आंदोलन के लिए विवश हो गए हैं। तिवारी ने कहा कि वनकर्मी 14 फरवरी से अपना आंदोलन शुरू करेंगे। प्रथम चरण में कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर मुख्यालय स्तर पर ज्ञापन सौंपेंगे। इस दौरान कर्मचारियों ने नारेबाजी कर आक्रोश दर्ज कराया। खरगोन से ब्यूरो की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में निर्मल कुमार तिवारी, प्रांताध्यक्ष मध्य प्रदेश वनकर्मी भोपाल। मध्य प्रदेश के IAS IPS IFS की तनख्वाह बराबर है, उसी प्रकार राज्य स्तर पर SDO फॉरेस्ट SDM और SDOP की तनख्वाह बराबर है और तीनों अखिल भारतीय सेवाएं हैं, राजस्व, पुलिस और फॉरेस्ट, इसमें अखिल भारतीय सेवाओं से उनके अधिकारी आते हैं। लेकिन जो मध्य प्रदेश का हमारा निचला तबका है, जो कि रेंजर से नीचे का तबका है, दैनिक वेतन भोग का, उसके वेतनमान में जबरदस्त विसंगति है और हमेशा राजस्व और पुलिस के मुकाबले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के वेतनमान कम रहे हैं। जबकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कर्मचारी 24 घंटे की सेवा करता है, तब से दोपहर कड़कड़ाती ठंड और घनघोर वर्षा के अंदर समाज के अंतिम बिंदु पर खड़े रहकर के वन कर्मचारी अपने परिवार से दूर रहकर समाज के अंतिम बिंदु पर वन प्राणी की सुरक्षा कर रहा है। आज की परिस्थिति राजनीतिक कारणों से इतनी स्थिति खराब होती जा रही है कि वन कर्मचारी जो वन्य प्राणी और वनों की सुरक्षा करता था, बायोडायवर्सिटी की सुरक्षा करता था, वह स्वयं अपने आप में असुरक्षित है और उसका वेतनमान भी सबसे कम है। इस संदर्भ में मध्यप्रदेश वन कर्मचारी संघ 1978 से आंदोलन करता चला आ रहा है। कुछ विसंगतियां दूर होती, कुछ नहीं होती, फिर भी हमारा वेतनमान मध्य प्रदेश, पूरे हिंदुस्तान, भारतवर्ष में मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जंगल होने के बाद सबसे कम वन विभाग के कर्मचारी का वेतनमान मध्य प्रदेश में है। उस संदर्भ में हमारा कई बार सरकार, हमने कई आंदोलन किए सरकार से, हमारे कई बार लिखित समझौते हुए, लेकिन शासन द्वारा आज तक हमारे लिखित समझौते का पालन नहीं किया गया है। इस बार भी मध्य प्रदेश वन कर्मचारी संघ पूरे प्रदेश स्तर पर 20 सूत्री मांगों को लेकर अपने वेतनमान की मांग और अन्य सुविधाओं के लेकर के हम लोग आंदोलन करने जा रहे हैं, जो चार चरण में हमारा आंदोलन है। अभी 14 तारीख के दिन हमारे यहाँ जिला स्तर पर धरना है, इसके बाद अगले अप्रैल के अंदर सभी विधायक और सांसदों को हमारा ज्ञापन देने का है, इसके बाद भोपाल में एक हमारी अप्रैल महीने में रैली है और मई महीने के अंदर हम लोग 1 से 5 तारीख तक हमारे हथियारों सब बस्ते जमा हो जाएंगे, जो भी शासकीय संपत्ति हमारे पास है, और 6 मई से हम अनिश्चितकालीन आंदोलन में मध्य प्रदेश का वन विभाग का दैनिक वेतन भोगी सहकर्मी से लेके रेंजर तक हड़ताल पे चला जाएगा। वन्य कर्मी सरकार का एक मुख्य केंद्र बिंदु रहता है और देखा जाता है कि जब वन भूमि को नुकसान पहुंचता है तो उसका हर्जाना वन कर्मी को भुगतना पड़ता है। इसको लेकर आपकी क्या बोल रहे हैं? ये तो साहब बड़ी गजब की व्यवस्था कर रखी है वन विभाग में, अंदर क्या बोलते हैं, टके सर खाजा वाला अंधेर गर्दी और चौपट राजा वाला काम है। अगर पुलिस के अंदर किसी के कोई चोरी हो जाती है तो TI से वसूली थोड़ी होती है, पर वन भूमि में अगर वन की कटाई हो जाती है तो वन कर्मचारी से वसूली करते हैं। अंधेर गर्दी चौपट की वाला राज चल रहा है यहाँ पे, और ना इस पे कोई ऊपर लेवल पे हमारे वन विभाग के जो वरिष्ठ अधिकारी है वो इस पे कोई ध्यान नहीं देते हैं। वन विभाग बल भी नहीं है, हमको नकली पुलिस बना के बिठा रखा है। हमारे मुखिया जो प्रदेश के, वो लिखते हैं कि वन बल प्रमुख, जब हमको बंदूक चलाने का अधिकार नहीं, बंदूकें खरीद के दे दी कमीशनों के चक्कर में, हमको पिस्टल दे दी CRPC और IPC के अंदर, जब तक संशोधन नहीं होगा और वन विभाग का कर्मचारी बल घोषित नहीं किया जाएगा तब तक हमको बंदूक चलाने का कोई अधिकार नहीं है। सरकार मात्र और मात्र मूर्ख बना रही है और इस समय ये चुनावी वर्ष है, सबसे ज्यादा अगर जंगल की कटाई हो रही है तो मध्य प्रदेश के अंदर हो रही है, और सबसे ज्यादा अगर कोई असुरक्षित है तो मध्य प्रदेश वन विभाग का कर्मचारी है। क्या मांग करते हैं आप सरकार से? हम सरकार से वेतनमान की मांग करते हैं और हमको हमारा ड्यूटी तय की जाए 12 घंटे की। हाईकोर्ट ने लिखा पुलिस के लिए कि 12 घंटे से ज्यादा ड्यूटी ले सकते हो, वन विभाग के कर्मचारी साहब 24 घंटे की ड्यूटी लेंगे तो वो वन विभाग का कर्मचारी को शादी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? 24 घंटे की आपने ड्यूटी लगा रखी है, इस दिन में कोई माँ बाप की सेवा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? वो माँ बाप की सेवा नहीं कर पाता, बच्चों का ध्यान नहीं दे पाता, जरा सा कि इधर उधर काम करना आता है, इस दिन में अगर वन अपराध हो जाता है तो उससे वसूलियाँ होती है। मैं निर्मल कुमार तिवारी, प्रांतीय अध्यक्ष मध्य प्रदेश वन कमीशन भोपाल। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़।
हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।